हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ आई मैनेज टू पे माय फी बाय माय ओन जस्ट डूइंग पार्ट टाइम जॉब एंड वर्किंग 20 आवर्स पर वीक। यस, इट इज डूएबल। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक दिस वीडियो। दिस वीडियो हैज अ टारगेट ऑफ 100 लाइक्स। आई होप यू कैन हेल्प मी टू अचीव दैट। अब स्टार्ट करते हैं। कनाडा में आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं टू हेल्प यू पे योर फी। सबसे पहली ऑप्शन है पार्ट टाइम जॉब की, सेकंड ऑप्शन है आपके पास स्कॉलरशिप की। अगर आपके प्रोग्राम में स्कॉलरशिप की ऑप्शन है, ये आपको हेल्प करेगी टू रिड्यूस योर फी। थर्ड ऑप्शन आपके पास है बर्जरीज की। बर्जरीज होती है फाइनेंशियल असिस्टेंट। इसमें आप यूनिवर्सिटी को लेटर लिख सकते हैं एंड बेस्ड ऑन इफ यू आर एलिजिबल दे विल रिड्यूस योर फी। अब डिपेंड करता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कैसी करते हैं। पहली ऑप्शन आपके पास जॉब की होती है कि आप कोई ऐसी जॉब करें जिसमें आपको मिनिमम वेज से ज्यादा सैलरी मिले, जैसे कि सेल्स में होता है। आपको मिनिमम वेज तो मिलता ही है, प्लस आपको कमीशन मिलता है, तो इससे आपको हेल्प हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास होती है कि आप ज्यादा आवर्स कर सकें। वो ऑप्शन सिर्फ यूनिवर्सिटीज में होती है, क्योंकि 20 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन यूनिवर्सिटीज में नहीं होती है। यू कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स। अगर आप यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं तो आपको मिनिमम वेज से $1 या $2 एक्स्ट्रा मिलता है, बट यू कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स विच विल हेल्प। एंड देन थर्ड ऑप्शन आपके पास होती है स्किल्ड जॉब्स की। स्किल्ड जॉब होती है जैसे आपको बारटेंडर की जॉब करनी है, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द लीकर लाइसेंस। स्किल्ड जॉब्स में आपको मोस्टली लाइसेंस की जरूरत होती है। जैसे अगर आपको सिक्योरिटी में जॉब करनी है, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द सिक्योरिटी लाइसेंस। तो इन तीनों ऑप्शन में अगर कंपेयर करें तो सेल्स जॉब ही ऐसी जॉब है जिसमें ना तो आपको लाइसेंस चाहिए और ना ही आपको 20 आवर्स से ज्यादा जॉब करने की जरूरत है। इस जॉब में आप जब इंडिया से आते हैं इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर इट। दिस जॉब ऑल्सो गिव्स यू मोर देन मिनिमम वेज, सो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज। अब बात करते हैं मेरे केस की। मैंने की है मास्टर ऑफ साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। मेरा जो प्रोग्राम था वो कॉस्ट रिकवरी प्रोग्राम था। उसमें ना स्कॉलरशिप की ऑप्शन थी ना ही बर्जरी की ऑप्शन थी। सो द ओनली ऑप्शन आई हैव लेफ्ट विद वॉज पार्ट टाइम जॉब, एंड आई अप्लाइड फॉर द सेल्स जॉब बिकॉज उसमें कमीशन मिलता है एंड आई गॉट सेलेक्टेड। सो इन योर प्रोग्राम इफ यू डोंट हैव स्कॉलरशिप और बर्जरी, डोंट फील दैट यू विल नॉट बी एबल टू पे योर फी। सेलेक्ट द पार्ट टाइम जॉब दैट विल गिव यू मोर देन मिनिमम वेज एंड देन यू विल बी एबल टू अरेंज योर फी। अब बात करते हैं कि मेरी फीस कितनी थी, मैं कब कनाडा में आई और मैंने कैसे अपनी फी पे की। आई केम टू कनाडा इन 2017 सितंबर सेशन, जिसको हम फॉल सेशन भी बोलते हैं। जब आप इंडिया से आते हैं तो आप एक सेमेस्टर की फी भर के आते हैं, अब तो 2 सेमेस्टर की फी भर के आते हैं। सो इट्स बिट इजियर नाउ व्हेन यू कम हियर। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट माई फी स्ट्रक्चर। मेरे फी स्ट्रक्चर में पहले सेमेस्टर की फी थी 10,500, सेकेंड सेमेस्टर की थी 7,500, थर्ड की भी 7,500 थी, एंड फाइनल सेमेस्टर में हमें प्रोजेक्ट करना होता है वो थी 2,500। अब फर्स्ट सेमेस्टर में ये हुआ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो आप अपनी इंडिया से भर के आते हैं फी। जैसे ही मैं यहाँ पे आई, यूनिवर्सिटी सेट की दे इंक्रीज द फीस, देन मुझे वहां पे फिर से $1,500 देने पड़े, तो जो टोटल था वो फर्स्ट सेमेस्टर का 11,500 हो गया था। जब आप यहाँ पे आते हैं, आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, तो आपको GIC से $2,000 मिल जाते हैं। वही $2,000 में से मैंने $1,500 जो थे वो अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में डाल दिए थे, और जो $500 बचा था उससे मुझे लैपटॉप लेना था। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इंडिया से लेके आ सकते हैं, बट मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मुझे यहाँ आके लैपटॉप भी बाय करना पड़ा, तो वो 2000 पूरा मेरा इसी चीज में निकल गया। जॉब ढूंढने में मुझे 1 month लगा। मेरी जॉब लगी थी अक्टूबर में। सितंबर में जो भी एक्सपेंसेस थे, जब इंडिया से आप आते हैं तो कुछ कैश लेके आते हैं, मैं $500 लेके आई थी, तो उस $500 ने हेल्प किया फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस में। उसके बाद मेरे पास 4 months थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि जो सेकंड सेमेस्टर की मेरी फीस थी उसकी लास्ट डेट थी 31st जनवरी। तो ये आप ध्यान रखना कि आपकी स्ट्रेटजी हो कि आपको कितने मंथ बचे हैं, कि बेस्ड ऑन दैट यू सेव मनी एंड यू वर्क टू सेव फॉर योर फीस। तो मुझे ये था कि मेरे पास 4 months है, 4 month में जितनी भी मेरी GIC आएगी वो मैंने सेव रखनी है, उसको मैंने यूज नहीं करना, और मुझे कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा कि मैं जो अपनी पार्ट टाइम जॉब है उससे अपना एक्सपेंस निकालने के बाद उससे भी सेव कर सकूं। तो वही मेरी स्ट्रेटजी थी। उसके बाद हर मंथ मेरी 670 GIC आती थी। इट वेरीज लिटिल बिट,
तो वो मैं सेव करती थी हर मंथ की, 4 महीने वो सेव की, और उसके बाद मैं सेविंग करती थी अपनी जॉब से भी। अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें मिनिमम वेज से ज्यादा कमीशन मिल रहा है, तो इजीली आप अपना एक्सपेंस निकाल के 500 या 1000 भी सेव कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हाउ मच यू आर सेलिंग। मोर यू सेल मोर यू अर्न। और इससे और बेनिफिट क्या होता है कि सेल्स में विंटर सेशन में जैसे ब्लैक फ्राइडे आ जाता है, बॉक्सिंग डे आ जाता है, और आपकी दिसंबर में 15 डेज की वेकेशन भी आती है, तब आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। मैंने तब फुल टाइम जॉब करी और सेल्स सीजन भी था, तो मैंने इजिली अपनी फीस के लिए इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि मैं अपनी फी खुद पे कर सकूं। तो अब ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कितना अर्न कर रहे हैं और कितना सेव कर रहे हैं। अर्निंग एंड सेविंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सेविंग के लिए मैंने वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं कि उसमें आप कैसे कैसे अपने मंथली एक्सपेंसेस को कंट्रोल में कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प होगी। जनवरी में फी पे करने के बाद वो सेमेस्टर के बाद आपको 4 मंथ की समर वेकेशन आती है, तब आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। देन इट्स इजियर टू पे योर नेक्स्ट फी। और अब तो और भी इजी है, अब आप जब इंडिया से यहाँ आते हैं, आप 2 सेमेस्टर्स की फी भर के आते हैं, देन आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप 3rd-4th semester की फी अपनी अरेंज कर सके। टू कंक्लूड, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले आपकी पार्ट टाइम जॉब। अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब से मिनिमम वेज से ज्यादा सैलरी मिल रही है, देन इट्स इजियर। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी है कि मुझे इस टाइम पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और ये मेरी लास्ट डेट है, मेरे पास इतने मंथ्स है फी सेव करने के लिए। तो ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो वो आपको हेल्प करेगी। थर्ड ऑप्शन आपके पास होती है, डोंट एवर यूज योर GIC। GIC को आप अगर टच नहीं करेंगे तो आपके लिए इजियर हो जाता है फी पे करना। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने अपने एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल में करने हैं। एंड इफ यू हैव स्कॉलरशिप एंड बर्जरी ऑप्शन, इट्स अ चेरी ऑन केक सिचुएशन फॉर यू। दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको हेल्प होगी टू मैनेज योर फी एंड पे योर फी ऑन टाइम। इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे, प्लीज कंसीडर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।